हाँ तो बच्चों चलिए इसके सेकंड पार्ट में आते हैं हम। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूएई? यूएई का फुल फॉर्म क्या है सबको पता है, यूनाइटेड अरब अमीरात्स। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात्स। फिर दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ओआरएस? एवरीबॉडी नो, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है ना, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जिसको ओआरएस कहते हैं, वाटर बॉर्न डिजीज का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल नेम ऑफ एनी वन लीफी वेजिटेबल। लीफी वेजिटेबल जिस किसको कहते हैं, पत्तेदार सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां जो होती है ना उनको हम कहते हैं लीफी वेजिटेबल। तो एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, स्पैनक है, कोरिएंडर है, धनिया पत्ती है, पालक है, लाल भाजी, चौलाई भाजी, जो भी आपको देना है, करी पत्ता वगैरह, तो ये सभी लीफी वेजिटेबल्स के एग्जांपल है। ठीक है, नेम अ वेजिटेबल विच गेट स्पॉइल्ड क्विकली। ऐसी किसी वेजिटेबल का नाम बताइए जो कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो किसी भी लीफी वेजिटेबल्स का नाम आप ले सकते हैं, उसको आपने फ्रिज से बाहर रखा तो वो बहुत जल्दी तुरंत का तुरंत ख़राब हो जाता है ना। आप लेके आए हैं मार्केट से और तुरंत उसको बना दीजिए तो ठीक रहता है। नेम अ वेजिटेबल विच वी कैन कीप फॉर द लॉन्ग टाइम। बहुत समय के लिए हम किन वेजिटेबल्स को रख सकते हैं? पोटैटोज़ है, अनियन है, जिमीकंद है, ये सब चीज़ें हैं जो कि लंबे समय तक रह सकती है घरों में। ठीक है, नेम अ वेजिटेबल Whose skin is rough? Rough skin वाला कौन सा आपको वेजिटेबल दिखाई देता है? तो करेला, करेला जिसके नाम से ही आपका मुँह कड़वा हो जाता है ना, लेकिन वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पौष्टिक है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जी है ना। तो इस तरह की बहुत सारी सब्जियाँ होती है जो कि हमारे लिए यूज़फुल होती है, स्वाद में भले अजीब हो। तो नेक्स्ट है अ वेजिटेबल whose skin is smooth। स्मूथ वेजिटेबल तो बहुत आपको दिखाई दे देते हैं, टोमेटो है, गॉर्ड है, मतलब लौकी है, टमाटर है। नेक्स्ट, नेम एनी हैवी वेजिटेबल। तो हैवी वेजिटेबल तो सब लोग जानते हैं, पंपकिन। अ वेजिटेबल विच डज नॉट हैव सीड्स, जिसमें बीजे नहीं होते, बीज नहीं होता, पोटैटो। ओके, हाउ डू यू मेक ओ आर एस एट होम? तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, एक ग्लास बॉइल्ड वाटर लेना है। उस बॉइल्ड वाटर में आपको क्या मिलाना है, एक पिंच सॉल्ट मिलाना है और 2 चम्मच शुगर मिलाना है। ठीक है, और इसके बाद आपको अच्छे से उसको हिलाना है और हिलाकर तैयार हो गया आपका ओआरएस का घोल। स्टिर वेल, क्या लिखा है यहाँ पर, टेक 1 ग्लास ऑफ बॉइल्ड वाटर, एड 2 स्पून शुगर एंड अ पिंच सॉल्ट, स्टिर वेल, ओआरएस इज रेडी। और फिर इसको जिसको भी आपको पिलाना है, जिसको भी वाटर बॉर्न डिजीज हो चुकी है या फिर जिसमें पानी की कमी हो गई है, आप उसको आराम से 1-1 चम्मच दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी इतना ही क्वेश्चन काफ़ी है, तो इनको तैयार कीजिए। ओके, थैंक यू बच्चों।